हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशी टॉप लिस्ट से। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंडिया के टॉप 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के बारे में। 10वें नंबर पर है मंकी। बहुत सारे लोग मंकी को हार्मलेस और प्रैंकस्टर एनिमल समझते हैं, पर एक्चुअल में कई मंकी बाइट्स और अटैक्स रिपोर्ट किए गए हैं इंडिया में। ये एनिमल बहुत ही डेंजरस बन जाते हैं जब इन्हें गुस्सा दिलाया जाए या हैबिटेट लॉस होने की वजह से ह्यूमन टेरिटरीज में आकर ही उत्पात मचाते हैं। 9वें नंबर पर है स्ट्रे डॉग्स। इंडिया में स्ट्रे डॉग्स यानी कि आवारा कुत्ते बहुत ही डेंजरस माने जाते हैं, क्योंकि ये कई इनोसेंट विक्टिम्स को काटते हैं, जिससे कई डेथ के केसेस हुए हैं, ज़्यादातर रैबीज जैसी बीमारियों की वजह से। 8वें नंबर पर है वुल्व्स। नेक्स्ट एनिमल जो ह्यूमन रेस के लिए डेडली माना जाता है, वाइल्ड वुल्व्स यानी कि जंगली भेड़िए हैं। साउथ इंडिया में बहुत मात्रा में वुल्फ अटैक्स रिपोर्ट किए हुए थे, जिसमें कई वुल्व्स ने जंगलों के पास के विलेजेस में बहुत सारे विक्टिम्स को मार दिया था। ये ना सिर्फ ह्यूमंस के लिए बल्कि कई सारी स्पीशीज के लिए भी बहुत डेंजरस होते हैं। 7वें नंबर पर है बियर। हिमालयन फॉरेस्ट ब्लैक और ब्राउन बियर्स यानी कि भालू के घर हैं, जहां ह्यूमन पॉपुलेशन पर कई अटैक्स रिपोर्ट होते हैं। इन डेंजरस और हैवी वेटेड एनिमल्स के बहुत ही तेज पंजे और दांत होते हैं, और ये विक्टिम को एक ही ब्लो में मार सकते हैं। 6वें नंबर पर है स्कॉर्पियन। नेक्स्ट सबसे खतरनाक जानवरों की लिस्ट में स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू आता है, जो इंसान को एक ही ढंग से मार सकता है, क्योंकि ये बहुत ही पॉइजनस यानी कि जहरीले स्पीशीज होते हैं। इनकी 85 स्पीशीज में से आधे से ज़्यादा स्कॉर्पियंस अपने वेनम यानी कि जहर की वजह से बहुत डेडली माने जाते हैं। इंडिया में ज़्यादातर बाइट्स रेड इंडियन स्कॉर्पियंस की रिपोर्ट की गई हैं। 5वें नंबर पर है क्रोकोडाइल्स। लिस्ट में नेक्स्ट नंबर पर फेयरफुल लुकिंग क्रोकोडाइल्स आते हैं, जो मोस्टली रिवर्स लेक्स या मार्शी रीजन्स में मिलते हैं। ये खतरनाक रेप्टाइल्स इंसानों को मारने और अटैक करने में एक मिनट के लिए भी नहीं चूकते। 4वें नंबर पर है एलिफेंट। नेक्स्ट इंडियन एनिमल जिसे डेंजरस माना जाता है वो है जेंटल लुकिंग एलिफेंट, जिनकी वजह से कई हजारों किलिंग्स रिपोर्ट हुई हैं इंडिया में। ये अपने रास्ते में आए कुछ भी चीज़ को क्रश कर सकते हैं अगर ये भूखे या फिर गुस्से हों। 3rd नंबर पर है लेपर्ड। लेपर्ड्स को ब्लैक कैट्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये टाइगर और लायन से छोटे होते हैं, पर इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये आसानी से इंसान को मार सकते हैं, जिनकी वजह से कई लेपर्ड अटैक्स इंडिया में रिपोर्ट हुए हैं। अगर ये ह्यूमन फ्लैश को टेस्ट कर लेते हैं तो ये मैनिटर्स बन जाते हैं। 2nd नंबर पर है टाइगर। 2nd नंबर पर टाइगर आते हैं, खास करके रॉयल बंगाल टाइगर, जो मोस्टली बंगाल के सुंदरबंस में पाए जाते हैं। ये मैन ईटिंग टाइगर्स यानी कि बाघ गढ़वाल रीजन में भी पाए जाते हैं, जो ह्यूमंस को अटैक करते हैं जब ये ओल्ड या इंजर्ड हो जाए। और पहले नंबर पर है स्नेक्स। इंडिया घर है स्नेक्स की कई स्पीशीज का, जो मोस्टली डार्क या लोनली जगहों में छुपे हुए वाइल्ड या रूरल एरियाज में मिलते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर में स्नेक बाइट्स रिपोर्ट की गई हैं। किंग कोबरा और क्रेट को सबसे ज़्यादा जहरीला सांप माना जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।